जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, और आज बोल कि लब आजाद है तेरे में हम बात करने वाले हैं कमल के फूल्स की। अरे भैया ये फूल नहीं, हाँ ये, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कमल के फूलों की। और इस श्रृंखला में पहले नाम आ रहा है लद्दाख के सांसद जामयांग त्शेरिंग नामग्याल। याद है ये वो शख्स हैं जिन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया था संसद के अंदर, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके तारीफ की थी, अमित शाह जी ने भी इस पर जबरदस्त तालियां बजाई थी। अब ये सज्जन क्या कह रहे हैं और हम इन्हें क्यों बता रहे हैं कमल के फूल, आप खुद सुनिए। ये कहते हैं, मुझे खुशी है कि मोदी जी द्वारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख की चर्चा संयुक्त राष्ट्र में हो रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब लद्दाख की चर्चा तो संसद में भी नहीं होती थी। अरे हुजूर, कहां हैं आपके चरण, हाँ आए दिन क्या फूंक रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं कि लद्दाख की चर्चा अगर संयुक्त राष्ट्र में हो रही है तो कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, चिंता की बात है। इसका क्या अर्थ हुआ सांसद महोदय? इसका अर्थ यह हुआ कि कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, यानी कि दुनिया भर के लोग अब हमारे घर में झांकेंगे, तो ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं हुआ है। तो कृपया जिस तरह से आपने भाषण रट्टा मार के दिया था उसी तरह से थोड़ी सी रिसर्च कर लें, क्योंकि हमें पता चला है कि आपकी जो पत्नी हैं वो काफी पढ़ी लिखी हैं, काफी सुलझी हुई हैं, उनसे तो इंस्पिरेशन लीजिए मान्यवर। अब मिलते हैं कमल के फूल नंबर, मेरा मतलब फूल नंबर दो, हंसराज हंस से, जो कि बीजेपी सांसद हैं। क्या कह रहे हैं कि जेएनयू को हटाकर अब इसका नाम एमएनयू रख देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित कर देना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि है तो पता नहीं अजीबों गरीब लगेगा, रेलेवेंट है या नहीं, इसका नाम रख दो है एमएनयू, मोदी जी के नाम से भी कुछ होना चाहिए। वैसे अगर आप जेएनयू, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, को एमएनयू रख देंगे तो भाई बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी भी नहीं चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी का नाम हो मोदी नेहरू यूनिवर्सिटी। हालांकि हंसराज हंस ने स्पष्ट कर दिया कि इसका नाम होना चाहिए मोदी नेशनल यूनिवर्सिटी। तो आज हम आपको एक मुफ्त की सलाह देना चाहते हैं, बजाय कि कांग्रेस और नेहरू की विरासत पर पिगी राइड करना, उसे नोचना, उसकी बात करना, मजा तो तब आएगा हंसराज हंस जी जब आप अपना खुद निर्माण करें। जी हां, खुद ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं जो कि जेएनयू से भी बड़ा स्थान रखती हो। वो आपसे होगा नहीं तभी आप जेएनयू को एमएनयू में बदलने की बात करते हैं। अब बारी है कमल के इस तीसरे फूल की, नाम है तेजस्वी सूर्या। ये भी बैंगलोर से सांसद हैं। ये वो सज्जन हैं जिन्होंने कहा था कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो एंटी नेशनल होते हैं। नतीजा ये हुआ कि पार्टी इनसे इतनी खुश हुई कि इन्हें बैंगलोर से चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया, जनता ने भी इन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया और ये चुनाव जीतकर संसद में आ गए। मगर संसद में प्रवेश होने के बाद ये मान्यवर क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। एक ट्वीट में कहते हैं कि मुझे बेहद दुख है कि बेंगलुरु में जैन बंधुओं पर एक मंदिर के बैनर में हिंदी के इस्तेमाल पर हमला हुआ है कुछ शरारती तत्वों द्वारा, मगर ये लोग कभी भी उर्दू के इस्तेमाल पर सवाल नहीं करते। शांतिपूर्ण जैनियों पर हमला करके हम सच्चे कन्नड़ प्रेमियों और एक्टिविस्ट को बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहले तो तेजस्वी भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ इन गुंडों की आलोचना करनी चाहिए थी। दूसरी बात, उर्दू और मुसलमानों को आप घसीट कर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी ना मुसलमान का हाथ है ना उर्दू का जिक्र है, फिर भी ये मान्यवर उर्दू को घसीट कर लाए, यानी कि इस पर भी ये सियासत करना चाह रहे हैं।
आदत से मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। बतौर सांसद आपका काम होना चाहिए था समाधान, टकराव नहीं, भड़काना नहीं। मगर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि न्यू इंडिया में गवर्नेंस का यही स्वरूप है, यही है न्यू इंडिया में गवर्नेंस की नई परिभाषा, भड़काना, उत्तेजित करना। क्यों तेजू भैया, सही कहा कि नहीं कहा? अब मिलते हैं कमल के इस और फूल से, यानी कि महान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी। हम आपको बताना चाहेंगे, इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि भारतीय ग्रंथों में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज पहले ही हो गई थी, यानी कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज नहीं की, इसकी खोज तो भारतीय ग्रंथों में पहले ही हो गई थी। आपको याद होगा कि हमारे अपने ही एक शो न्यूज चक्र में हमने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के सामने जाकर इन्होंने क्या कहा था कि नंबर एक, परमाणु और अणु की खोज चरक ऋषि ने की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि नासा कह रहा है कि अगर निकट भविष्य में चलता फिरता कंप्यूटर मुमकिन हो पाया, यानी कंप्यूटर बात करने लग गया, तो यह सिर्फ संस्कृत के कारण संभव होगा। दोस्तों आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो तमाम बातें हैं ना, मैं चाहता हूं कि पोखरियाल जी हमारी जो शिक्षा की किताबें, हमारी साइंस की किताबें पूरी तरह से बदल दें, और ये जो तमाम बातें कह रहे हैं ना, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड कर लें। यानी कि अगर हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, तो उसे काट कर डाल दें कि भारतीय ग्रंथों में हो गई। और जो हमारे माता पिता हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चों को आज से यही पढ़ाएं। देखिए दोस्तों, या तो हमारे पास पुख्ता प्रमाण होते कि ये तमाम चीजें जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री कर रहे हैं वो सच है, तब तो बात सही है। मगर जब हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, जब हम व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे ज्ञान को शिक्षा मान लेते हैं, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं बीजेपी के एक और फूल, आतंक की आरोपी भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर। क्या आप जानते हैं कि बजट सत्र में इनका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि आरएसएस को अब इस मामले में दखल देना पड़ रहा है। आरएसएस ने उनकी टीम को रिप्लेस कर दिया है और उनके साथ एक नई टीम लगा दी है कि भाई इनके मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे इन्हें खुद को शर्मिंदा होना पड़े, पार्टी मुश्किल में पड़ जाए या पार्टी को ही शर्मिंदा होना पड़े। मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आप एक आतंक की आरोपी को संसद में लाएंगे तो आप और क्या उम्मीद कर रहे थे? क्योंकि मुझे तो याद है कि अमित शाह जी ने कहा था कि हमने प्रज्ञा ठाकुर को कारण बताओ नोटिस दिया है, 10 दिन में जवाब देना है। और यह बात कब की थी? चुनावों से पहले की बात थी। खुद मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करूंगा। कहां गई वो बातें? क्योंकि मैडम प्रज्ञा ठाकुर ने जो बातें कही थी वो तो बहुत महान बातें थी ना। बात नंबर एक, गोडसे एक देशभक्त था। बात नंबर दो, मैंने हेमंत करकरे को शाप दिया था। अब बात करते हैं कमल में शामिल हुए इस नए फूल की, कपिल मिश्रा। ये वो सज्जन है दोस्तों जिन्होंने बीजेपी ने गाजे बाजे के साथ पार्टी में शामिल कराया। मगर आप ये नहीं जानते कि वो शख्स है जिसने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री की वो तौहीन की थी, वो बेइज्जती की थी, वो अपशब्द इस्तेमाल किए थे जो भारत में आज तक शायद किसी ने नहीं किए। सुनिए कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के करते हुए। यानी कि मोदी जी को यह लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई, और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अब ऐसा शख्स बीजेपी में शामिल हो गया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी में ऐसी डेस्परेशन क्या है कि वो इस तरह के फूल को पार्टी में शामिल करवाए। और यही नहीं, कपिल मिश्रा ने छाती ठोक कर कहा था, नहीं कपिल मिश्रा नहीं, बेहोश मिश्रा ने, बेहोश मिश्रा पता है ना हम क्यों कहते हैं? हाँ, इसीलिए कहते हैं। जी हां,
बेहोश मिश्रा ने यह भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बीजेपी में शामिल नहीं हूंगा। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है, और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनसे चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आए, एक भी जानकारी लेकर आए कि मैंने भाजपा के किसी नेता से बात की है या उसके मैं संपर्क में हूं। दोस्तों, एक और सज्जन है, नाम है अजय आलोक। कहने को ये जनता दल यूनाइटेड में है, मगर ये भी फड़फड़ा रहे हैं कि मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल हो जाऊं। इन्होंने क्या ट्वीट किया पहले आप देखिए। कहते हैं, कितने गर्व की बात है कि यूनाइटेड नेशंस ने भारत के जो राष्ट्रगान को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान माना है। दोस्तों, व्हाट्सएप पर यह एक अफवाह है जो एक अरसे से चल रही है, मगर एक पार्टी का प्रवक्ता इसे हकीकत मानता है। और जब चोरी पकड़ी इनकी, जब इनका झूठ पकड़ा गया, तब मान्यवर क्या कहते हैं आप खुद देखिए। कहते हैं, अगर ये गलत खबर है जो व्हाट्सएप पे फैलाई गई है तो भी मुझे खबर खुशी और आत्मिक संतोष देती है, क्योंकि इससे पूरे विश्व में मेरे देश के राष्ट्रगान की चर्चा तो होती है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी कि मूर्ख बनो और फिर उसे गाजे बाजे से प्रसारित करो, उसे एडवर्टाइज करो। इन्हें भी कहीं ना कहीं कमल का फूल हो जाना चाहिए। मैं जानता हूं दोस्तों, इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप में से कई लोग क्या कह रहे होंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि क्या ऐसे फूल आपको सिर्फ बीजेपी में मिले हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश में शासन कर रही है, अधिकतर राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। और ये जो तमाम लोग जिनकी महानता के किस्से मैंने अभी अभी आपको सुनाए हैं, ये सांसद हैं, ये मंत्री हैं, ये विधायक हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे मुस्तकबिल, हमारी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। और जब ये लोग इस तरह की ओछी बातें करते हैं, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ता है, हमारे बच्चों पर पड़ता है। लिहाजा ऐसे लोगों की सोच, ऐसी सोच पर अंकुश डालना बेहद जरूरी है। बोल के लब आजाद हैं, मैं बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।